फ्रेंड्स, आज आपके सामने क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस चैप्टर वन बुक नेम पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर वन चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के इम्पॉर्टेंट कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। चैलेंजेस ऑफ इन नेशन बिल्डिंग, जब हमारे देश का निर्माण हुआ आज़ादी के बाद, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी, तो उनके बारे में सबसे पहले एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, द पिक्चर इज रिलेटेड टू विच इंसिडेंट्स। पिक्चर है पेज नंबर 3 एनसीईआरटी पर, पेज नंबर 3 पर एक पिक्चर बनी हुई है, आपको वो पिक्चर देखनी है। वो पिक्चर नीचे लिखो में से किस इंसिडेंट्स पर रिलेटेड है। ऑप्शन ए क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या उस पिक्चर में 1942 का महात्मा गांधी का क्विट इंडिया मूवमेंट था। क्या फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया 15 अगस्त 1947 की पिक्चर है वो। ऑप्शन सी, क्या फर्स्ट रिपब्लिक डे 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है, वहाँ पे पिक्चर में नज़र आ रही है। या ऑप्शन डी, एन इलेक्शन रैली इन 1952 में, क्या जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था उसकी रैली निकल रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया 15 अगस्त 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को संबोधित कर रहे हैं, वो अपना रेड फोर्ट पर भाषण, अपनी स्पीच दे रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड एमसीक्यू, विच प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट टू अनाउंस टू रिमेन एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हमारे देश से खाली करके 1947 में चले गए थे, तो वो प्रिंसली स्टेट्स 560 प्रिंसली स्टेट्स बना गए थे। प्रिंसली स्टेट्स में हर स्टेट किसी ना किसी राजा को दे दी जाती थी, उसके बेटे को दे दी जाती थी। तो पहली ऐसी कौन सी प्रिंसली स्टेट थी इंडिया की जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट्स अनाउंस कर दिया था, घोषित कर दिया था कि वो इंडिपेंडेंट रहेगी, भारत में शामिल नहीं होगी। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी ट्रावणकोर। तो वो स्टेट थी ट्रावणकोर जो अनाउंस कर दिया था कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर रहेगी, भारत में इन्वॉल्व शामिल नहीं होगी। एमसीक्यू, डैश वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब हमारी कंट्री को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, तो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन फोर, विच लीडर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद इंडिया। नीचे लिखो में से कौन से लीडर ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ जोड़ने का। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर है कि प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हेन डिड हैदराबाद मर्ज विद इंडिया। हैदराबाद इंडिया के साथ कब मर्ज हुआ, कब मिक्स हुआ। बच्चों आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, हैदराबाद का निजाम अकड़ गया था कि मैं इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होऊंगा। इसने अपनी आर्मी तक बना ली थी, हैदराबाद का निज़ाम, इसकी आर्मी का नाम था रजाकर। तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन आर्मी को वहां भेजा, तो फिर इसको घुटने टेकने पड़े, इसको अपनी हार माननी पड़ी, और सितंबर 1948 में ये हैदराबाद इंडिया में मर्ज हो गया, यानी इंडिया के साथ मिक्स गया, मिक्स हो गया, इंडिया का पार्ट बन गया। Which was the biggest challenge before the newly independent India? हमारा इंडिया 1947 को नया नया आजाद हुआ था, तो सबसे बड़ा एक चैलेंज हमारे सामने कौन सा था, हमारी कंट्री के सामने नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन से तो बाद में भी निपटा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बिगेस्ट चैलेंज वो था नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्रीय एकता। ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि पूरा देश एक हो जाए, प्रिंसली स्टेट्स भारत के अंदर मर्ज हो जाए। क्वेश्चन सेवन, स्टडी द पिक्चर एंड चूज द फर्स्ट स्टेट
टू बी क्रिएटेड ड्यू टू लिंग्विस्टिक डिमांड आफ्टर इंडिपेंडेंस, पेज 21 एनसीईआरटी पर एक पिक्चर बनी है। आप उस पिक्चर में देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जी बैठे हुए हैं, सारे स्टेट्स के लोग डिमांड लेकर आ रहे हैं कि लिंग्विस्टिक डिमांड पर आज़ादी के बाद हमें भी, हमारी स्टेट का भी निर्माण किया जाए। तो उस पिक्चर को बेस बनाकर अगर आप देखेंगे तो कौन सी स्टेट क्रिएट की गई थी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, आसाम या राजस्थान? वहाँ पर आंध्र प्रदेश जो पहली स्टेट थी इंडिया की आज़ादी के बाद, फर्स्ट स्टेट थी आंध्र प्रदेश जिसे लिंग्विस्टिक डिमांड पर स्वतंत्रता दी गई थी। उसमें वहाँ पर पिक्चर में आप देखेंगे एक बंदा विशाल आंध्रा मूवमेंट का एक गले में पोस्टर लगा के बैठा हुआ, तो उनकी डिमांड मानी गई थी। क्वेश्चन 8 है एमसीक्यू, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था, वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया इन विच ईयर? इंडिया में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इसीलिए बनाया गया था ताकि वो लिंग्विस्टिक बेस को देख सके। ऑप्शन ए 1947, बी 1953, सी 1960 या डी 1971। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इंडिपेंडेंस के बाद 1953 में बनाया गया था ताकि वो डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्टेट्स को की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। विच पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स इन कलोनियल इंडिया? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था इंडिया में, तो कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी जो मुस्लिम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती थी? उसका ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग, बी फ्रंटियर लीग, सी कांग्रेस, डी नन ऑफ द अबव। तो वो थी मुस्लिम लीग, कॉलोनियल इंडिया में मुस्लिम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती थी। क्वेश्चन 10 एमसीक्यू, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का स्लोगन, ये नारा विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गेव द स्लोगन? ये स्लोगन कौन से प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, किसने ये जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ये स्लोगन किसने दिया था? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी चौधरी चरण सिंह, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोरारजी देसाई। ये हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर सेकंड नंबर लाल बहादुर शास्त्री ने ये स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। क्वेश्चन 11 एमसीक्यू, हु फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल आर्मी? इंडियन नेशनल आर्मी नीचे लिखो में से किसने बनाई थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी राजगुरु। तो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी हमारे सुभाष चंद्र बोस ने। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने, एनसीईआरटी पेज 18 पर एक पिक्चर बनी है, बोर्ड में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। आप एनसीईआरटी के पेज 18 पर पिक्चर देखिए, स्टडी द कार्टून, उस कार्टून को देखो और आंसर द क्वेश्चंस। उस कार्टून को देखो, ए आइडेंटिफाई द लीडर, वहां पर आपको एक लीडर नजर आएगा, उसको आइडेंटिफाई करो, वो लीडर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन बी, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इंडिकेट बिटवीन पीपल एंड रूलर? इस कार्टून में पीपल और रूलर के बीच में आपको कैसे रिश्ते दिख रहे हैं? आप उस कार्टून में देखोगे, जो मणिपुर का महाराजा है उसने एक गरीब बंदे को दबा कर रखा हुआ है। तो प्रिंसली रूलर्स ऑप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉयटेड पीपल, प्रिंसली रूलर जो थे वो लोगों को दबाते थे और एक्सप्लॉयट करते थे, उनका शोषण करते थे। क्वेश्चन सी, हाउ वाज द लीडर ऑन द राइट टू सॉल्व द इशू ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स? प्रिंसली स्टेट्स के इशू को जो राइट पर बंदा खड़ा, उसने, उस लीडर ने कैसे सॉल्व किया है? सरदार पटेल एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन सॉल्विंग द इशू ऑफ द मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स विद इंडिया। सरदार पटेल जो राइट पर खड़े हैं वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मर्ज करने में काफी सफलता पाई है, काफी क्या, पूरी सफलता पाई है। मैप बेस्ड क्वेश्चन, बोर्ड में मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं पॉलिटिकल साइंस में। पेज 20 एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे एक मैप बना हुआ है और उस मैप पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीड द मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है, नेम द ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम विच द फॉलोइंग स्टेट्स वर कार्व्ड आउट। ओरिजिनल स्टेट का नाम बताइए जिनसे ये नीचे लिखी स्टेट कार्व्ड आउट हुई है। गुजरात से बॉम्बे हुई है, हरियाणा से पंजाब, मेघालय से आसाम
और छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश। क्वेश्चन सेकंड, विच वर मैप के अकॉर्डिंग, मैप को आपको देखना, अच्छे से रीड करना, आपको पता चल जाएगा। विच वर द स्टेट्स अफेक्टेड बाय द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट्स थी जो काफी प्रभावित हुई थी, पार्टीशन से अफेक्टेड हुई थी? वो थी पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मीन्स कोलकाता। यहाँ इन दोनों स्टेट्स में कम्युनल वायलेंस हुआ था, दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम के। क्वेश्चन थ्री, नेम टू स्टेट्स दैट वर अर्लियर यूनियन टेरिटरी। दो ऐसी स्टेट्स के नाम बताओ जो पहले यूनियन टेरिटरी थी, वो थी दिल्ली एंड गोवा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन। दिल्ली एंड गोवा ये यूनियन टेरिटरी पहले थी। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे रहा हूँ चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर की, आप इसे अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन वन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद इंडिया की स्टेट्स को, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया, उसके पूरे प्रोसेस को समझाना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का आपको आ सकता है। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट इज मीन्ड बाय टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी मीन्स पार्टीशन, इंडिया एंड पाकिस्तान। क्वेश्चन थ्री, मेंशन एनी टू चैलेंजेस दैट इंडिया फेस जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। दो ऐसे चैलेंज बताने हैं जो इंडिया को एकदम आजादी के बाद फेस करने पड़े, 2 मार्क्स। व्हाट वाज द गवर्नमेंट अप्रोच टूवर्ड्स द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ इंटीग्रेट करने का, इंडिया के साथ मिलाने का, इंडिया के साथ जोड़ने का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रोच थी वो क्या थी, 2 मार्क्स। एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। 1947 में पार्टीशन हुआ था इंडिया का, इंडिया पाकिस्तान, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज, क्या परिणाम निकले। क्वेश्चन सिक्स, डिस्क्राइब एनी 3 मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन 3 से मिलता है, बस उसमें 2 चैलेंजेस के आपको केवल नाम बताने हैं, लेकिन इसमें आपको 3 मेजर चैलेंजेस को डिस्क्राइब भी करना है जो आज़ादी के बाद इंडिया को फेस करने पड़े, आपको डिस्क्राइब भी करना है। ये 5 मार्क्स में आपको आ सकता है। द सर्कमस्टांसिस दैट लेड टू द सक्सेशन ऑफ हैदराबाद एंड मणिपुर टू इंडिया इन 1948 में हैदराबाद और मणिपुर को इंडिया में मिलाया गया, इसके पीछे कैसे सर्कमस्टांसिस थे आपको बता दूं बच्चों। हैदराबाद का निज़ाम और मणिपुर का महाराजा, ये दोनों जिद पर अड़ गए थे कि हम इंडिया का पार्ट नहीं बनेंगे, इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होंगे। तो हमारे उस समय के सबसे अच्छे लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन दोनों पर मिलिट्री का अपना दिखा करके इन्हें इंडिया में शामिल किया, इंडियन यूनियन में इनको पार्ट बनाया। क्वेश्चन 8, व्हाट आर द रीज़न बीइंग यूज्ड बाय नेहरू। कौन सा ऐसा रीज़न है जो नेहरू ने यूज़ किया था फॉर कीपिंग इंडिया सेक्युलर, कि इंडिया को सेक्युलर बनाया जाए, धर्मनिरपेक्ष देश। डू यू थिंक दीज रीजन वर ओनली एथिकल, क्या ये नैतिक भावना पर आधारित थे या सेंटिमेंटल थे, आपको रीजन देना है, क्या वो भावनाओं में आ गए थे या एथिकल रीजन था। क्वेश्चन 9, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म प्रिंसली स्टेट से आप क्या समझते हो, ये 2 मार्क्स में आपको आ सकता है। और व्हाट वाज, क्वेश्चन 10 लास्ट क्वेश्चन, वट वॉज द टू नेशन थ्योरी एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी को एडवांस किया था, टू नेशन की थ्योरी इंडिया के आगे रखी थी, इंडियन गवर्नमेंट के आगे, इसके पीछे क्या बात थी। मुस्लिम लीग पार्टी का कहना ये था कि इंडिया नॉट ओनली वन बल्कि 2 पीपल की कंट्री है, हिंदू एंड मुस्लिम। तो इसीलिए मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी की डिमांड की और इंडिया का पार्टीशन कराकर पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री बना दी। थैंक यू बच्चों, मैंने चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग आपको दे दिया है। MCQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चंस, आप हमारी वीडियो देखते रहिएगा और इन्हें लाइक कीजिएगा।
आपको अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आगे और भी हमारी वीडियोस आती रहेंगी और आप कॉपरेट करते रहिएगा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी नॉट ओनली सितंबर हाफ ईयरली बल्कि प्री बोर्ड एंड बोर्ड तक पहुंचने की कोशिश करते रहिएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना। थैंक यू बच्चों।